कभी-कभी समझ नहीं आता कि हम सब्जी क्या बनाएं, तो जब भी कुछ समझ नहीं आता तो बनाइए आसान सी अंडा भुर्जी की सब्जी। वेलकम टू गर्ली कॉर्नर। चलिए आज बनाते हैं अंडा भुर्जी। बहुत ही सिंपल तरीके से बनाते हैं हम अंडा भुर्जी की सब्जी बिना अदरक लहसुन के, और बहुत ही आसान है बनाने में। जो नॉन वेजिटेरियंस हैं वो सबसे पहले बनाना सीखते हैं अंडा भुर्जी की सब्जी, और जो वेजिटेरियंस हैं वो बनाना सीखते हैं पोहा, जो कि हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि ये दोनों बहुत ही आसान हैं। तो इसके लिए हम ले लेंगे अंडे। अंडे को हम पहले अच्छे से पानी से धो लेंगे, क्योंकि अंडे इस तरह से गंदे होते हैं। यहाँ पर हम 8 अंडों का बनाने वाले हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमने कढ़ाई में तेल डाल दिया है। जब ये अच्छे से गर्म हो जाए तब हम इसमें हरी मिर्च डाल देंगे और डाल देंगे 1 बड़ा प्याज। अगर आपके पास अंडे कम हैं तो आप प्याज ज़्यादा डाल सकते हैं। अब हम इसे थोड़ी देर फ्राई करने के लिए रख देते हैं। प्याज जो है वो हमारे लगभग फ्राई हो चुके हैं। इसमें ज़्यादा प्याज को ब्राउन होते तक फ्राई करने की ज़रूरत नहीं होती है। अब हम इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा नमक डाल देंगे। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। 2 टमाटर हमने यूज़ किया है। अब टमाटर को हम थोड़ा ड्राई होते तक इसे कुक कर लेंगे। टमाटर बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब बारी है इसमें अंडे डालने की। तो अंडे को इस तरह से हम फोड़कर उसमें डाल देते हैं। एक एक करके सारे अंडे इसमें डाल देंगे। यहाँ पर हम आँच कम रखेंगे, अगर ज़्यादा रखेंगे तो सारे अंडे जल सकते हैं। अंडा भुर्जी बनाने में बहुत कम तेल का इस्तेमाल होता है। अंडा भुर्जी बनाते समय हमें नमक भी सावधानी से डालना चाहिए, क्योंकि इसमें नमक बहुत जल्दी लग जाता है। यहाँ पर हम थोड़ा सा नमक और डाल देंगे। हमने प्याज फ्राई करते समय प्याज और टमाटर के लिए थोड़ा सा नमक डाला था। अब अंडों में अच्छे से लग जाए उसके लिए हमने यहाँ पर थोड़ा सा नमक डाल दिया है। अब हमने आँच थोड़ी बढ़ा दी है। अब हम इसे फ्राई करते हैं। नीचे से ये चिपकना शुरू हो गए हैं, इसे लगातार हमें चम्मच चलाना होगा। आँच हमने फुल कर दी है और हम लगातार चम्मच इसमें चलाते रहेंगे जब तक ये अंदर से अच्छी तरह से ड्राई ना हो जाए। तो लीजिए, अंडा भुर्जी बनकर तैयार है। बहुत ही झटपट बन जाती है। हम इसमें धनिया पत्ती ऐड कर देंगे। उसके बाद हम इसे फिर से अच्छे से कुक करने वाले हैं, ताकि धनिया पत्ती अच्छे से कुक हो जाए। झटपट बनने वाली ये अंडा भुर्जी आपको बहुत ही कम सामान में बन जाएगी और बहुत ही जल्दी बन जाती है। अंडा भुर्जी को आप रोटी पराठे के साथ खा सकते हैं, या फिर आप इसे ब्रेड में लगाकर सॉस के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। ये तो आपको पता ही है कि अंडे में प्रोटीन और कैल्शियम होता है, जो कि हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है। साथ ही साथ अंडे में कैलोरीज भी होती है, जो कि एक नॉर्मल इंसान के डाइट के लिए बहुत ही ज़रूरी। इसके अलावा अंडे में होता है जिंक और आयरन, जो कि एक स्वस्थ इंसान के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग गर्ली कॉर्नर।